दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी के दिन एवं महीनों के नाम, हिंदी पंचांग मास के नाम व तिथियां। इससे पूर्व भी हमने हिंदी के दिन और महीनों के नामों को लेकर एक बहुत संक्षिप्त वीडियो बनाई थी, लेकिन अब थोड़ा विस्तृत रूप से उसको स्पष्ट करने के लिए, समझाने के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। इसको आप पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आप हिंदी के दिन और महीनों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, उनके नामों को भी और उनकी तिथियों को भी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएं, सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यदि आपसे पूछा जाए कि महीनों के नाम बताओ तो आपके जहन में झट से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि 12 महीनों के नाम आ जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये माह तो अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के माह है। भारतीय पंचांग के अनुसार महीनों के नाम क्या हैं, कब कौन सा माह आरंभ हो रहा है, भारतीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है, इन सब सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। भारतीय या कहें कि हिंदू पंचांग के अनुसार भी महीनों की संख्या 12 ही मानी जाती है, लेकिन भारतीय वर्ष कैलेंडर में काफ़ी विविधताएं मिलती हैं। चंद्र वर्ष व सूर्य वर्ष दोनों के माह अलग अलग होते हैं। सूर्य मास जहां राशियों में सूर्य की संक्रांति से आरंभ होता है, वहीं चंद्र मास पूर्णिमांत और अमांत दो प्रकार के होते हैं। भारतीय महीनों के नामों का निर्धारण नक्षत्रों के नाम पर हुआ है। माह की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के आधार पर महीनों के नाम रखे गए हैं। हिंदी नववर्ष का आरंभ चौत्र या चैत्र मास से होता है तो वर्षांत फाल्गुन से। मास व तिथि, हिंदी महीने 30 तिथियों के होते हैं। पूर्णिमा व अमावस्या को छोड़कर सभी तिथियां दो बार एक माह में आती हैं। पूर्णिमांत मास पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है तो अमांत मास का समापन अमावस्या को होता है। उत्तर भारत में पूर्णिमांत मास का प्रचलन अधिक है तो दक्षिण में अमांत की मान्यता अधिक मानी जाती है। प्रतिपदा मास की पहली तिथि या तारीख होती है, इसके पश्चात द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी से लेकर के 14 यानी कि 14 तक तिथियां आती हैं। 15वीं तिथि पूर्णिमा या अमावस्या की होती है। इन तिथियों के नाम आप समझना चाहें तो वो हम यहाँ पर दे रहे हैं, और विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में और इनके नाम कुछ थोड़े अलग ही हैं वो भी हम दे रहे हैं। जैसे कि पहली जो तारीख होती है भारतीय कैलेंडर के अनुसार तो वो प्रतिपदा कहलाती है, उसे सामान्य ग्रामीण परिवेश में पड़वा बोलते हैं। दूसरी द्वितीय, द्वयज, तृतीय, तीज, चौथी चतुर्थी, चौथ, पांचवी पंचमी, पांचे, छठी षष्ठी, छठ, सातवीं सप्तमी, सातय, आठवीं अष्टमी, आठ, नवी नवमी, नवमी, दसवीं दशमी, दसमी, ग्यारहवीं एकादशी, ग्यारस, बारहवीं द्वादश, बारस, तेरह त्रयोदशी, तेरस, चौदहवीं चतुर्दशी, चौदस। इसके बाद अमावस्या जिसको अमावस या अमावस बोलते हैं, और फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा जिसको पूनम या पूनम बोलते हैं। ये तिथियां आती रहती है, इनके नाम हैं। जिस समय चंद्रमा बढ़ते क्रम में होता है वह शुक्ल पक्ष कहलाता है, और जब चंद्रमा घटते क्रम में होता है तो वह कृष्ण पक्ष कहलाता है।
2020 में हिंदी पंचांग मास कब से शुरू हुए कब तक? पौष 13 दिसंबर 2019 से 10 जनवरी 2020 तक रहेगा। माघ 10 जनवरी से 9 फरवरी 2020 तक। फाल्गुन 10 फरवरी से 9 मार्च 2020 तक। चैत्र या चौत्र 10 मार्च से 8 अप्रैल 2020 तक। वैशाख 8 अप्रैल से 7 मई 2020। ज्येष्ठ 8 मई से 5 जून 2020। आषाढ़ 6 जून से 3 जुलाई 2020। श्रावण 6 जुलाई से 3 अगस्त 2020। भाद्रपद 4 अगस्त से 2 सितंबर 2020। आश्विन 3 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020। अधिक आश्विन 18 सितंबर से 16 अक्टूबर 2020। आश्विन इस वर्ष 2 बताए गए हैं। कार्तिक 1 नवंबर से 30 नवंबर 2020 और मार्गशीर्ष 1 दिसंबर से 30 दिसंबर 2020। फिर से पौष 31 दिसंबर 2020 से 28 जनवरी 2021। तो ये इस वर्ष के हिंदी महीनों के हमने नाम भी बता दिए, वो कब से कब तक रहे या रहेंगे वो भी हमने आपको जानकारी दे दी। हिंदी कैलेंडर का प्रथम माह है चैत्र या चौत्र और अंतिम है फाल्गुन। दोनों ही माह वसंत ऋतु में आते हैं। ईसाई माह अनुसार यह मार्च में आता है। चैत्र की प्रतिपदा तिथि से ही हिंदी नववर्ष की शुरुआत होती है। ईरान में इस तिथि को नवरोज यानी नया वर्ष मनाया जाता है। आंध्र में यह पर्व उगादी नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है। उगादी का अर्थ होता है युग का प्रारंभ अथवा ब्रह्मा की सृष्टि रचना का पहला दिन। इस प्रतिपदा तिथि को ही जम्मू कश्मीर में नवरेह, पंजाब में वैशाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, सिंध में चेतीचंड, केरल में विशु, असम में रंगोली बिहू आदि के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत की चौत्र शुक्ल की पहली तिथि से न केवल नवरात्रि में दुर्गा व्रत पूजन का आरंभ होता है बल्कि राजा रामचंद्र का राज्याभिषेक, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, सिख परंपरा के द्वितीय गुरु अंगद देव का जन्म हुआ था, यानी कि ये सभी मान्यताएं इसके पीछे भी प्रचलित हैं। प्राचीन काल में दुनिया भर में मार्च को ही वर्ष का पहला महीना माना जाता था। आज भी बही खातों का नवीनीकरण और मंगल कार्य की शुरुआत मार्च के शुभ महीने में ही मानी जाती है। ज्योतिष विद्या में ग्रह, ऋतु, मास, तिथि एवं पक्ष आदि की गणना भी चौत्र प्रतिपदा से ही प्रारंभ की जाती है। मार्च से ही सूर्य मास अनुसार मेष राशि की शुरुआत मानी गई है। चौत्र मास की शुरुआत अमावस्या के पश्चात चंद्रमा जब मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में प्रकट होकर प्रतिदिन एक एक कला बढ़ता हुआ 15वें दिन चित्रा नक्षत्र में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तब वह मास चित्रा नक्षत्र के कारण चौत्र या चैत्र मास कहलाता है। इसे संवत्सर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है ऐसा विशेष जिसमें 12 माह होते हैं। इस दिन का बहुत महत्व है। जैसे कि पौराणिक मान्यता अनुसार ब्रह्मा जी ने चौत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी, इसी दिन भगवान विष्णु ने दशा अवतार में से पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में अथा जल राशि में से मनु की नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। प्रलय काल समाप्त होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई। मूलतः चंद्रमास को देखकर ही तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, सबसे ज्यादा यही प्रचलित है। इसके अलावा नक्षत्र मास और सौर मास और अधिमास भी होते हैं। चंद्रमास, चंद्रमा की कला की घटबड़ वाले दो पक्षों यानी कि कृष्ण और शुक्ल को जो एक मास होता है वही चंद्रमास कहलाता है। ये दो प्रकार का शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अमावस को पूर्ण होने वाला अमांत मास मुख्य चंद्रमास है। कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमांत पूरा होने वाला गौण चंद्रमास है। ये तिथि की घटबड़ के अनुसार 29, 30 व 28 एवं 27 दिनों का भी हो सकता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण होता है। सौर वर्ष से 11 दिन 3 घटी 48 पल छोटा है। चंद्र वर्ष इसीलिए हर 3 वर्ष में इसमें एक महीना जोड़ दिया जाता है। सौर मास 365 दिन का और चंद्रमास 355 दिन का होने से
प्रतिवर्ष 10 दिन का अंतर आ जाता है। इन 10 दिनों को चंद्रमास ही माना जाता है, फिर भी ऐसे बढ़े हुए दिनों को मलमास या अधिमास भी कहते हैं। और जो ये मलमास या अधिमास होते हैं, इनमें ये चंद्रमास होते हैं, ये शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, मलमास लगे हुए हैं इसलिए विवाह आदि के कार्यक्रम नहीं हो सकते, शुभ कार्य नहीं हो सकते। चंद्रमास के नाम चौत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अघन, पौष, माघ और फाल्गुन। महीनों के नाम, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है वो इस प्रकार हैं: चैत्र, चित्रा या स्वाति, वैशाख, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठा मूल, आषाढ़, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, सतभिषा, श्रावण, श्रवण और धनिष्ठा। भाद्रपद, पूर्व भाद्र, उत्तर भाद्र, आश्विन, अश्विन, रेवती, भरणी, कार्तिक, कृतिका, रोहिणी, मार्गशीर्ष, मृगशिरा, उत्तरा, पौष, पुनर्वसु, पुष्य, माघ, मघा, अश्लेषा, फाल्गुन, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, हस्त। विद्यार्थियों, ये हिंदी के 12 महीने उनके नाम हैं और सभी तिथियों के बारे में है। हिंदी महीनों के नाम को और हम विस्तृत जानने के लिए ये बता रहे हैं आपको। यदि आपको जिज्ञासा है और आप इंटरनेट पर हिंदी कैलेंडर मंथ इन 12 मंथ यानी कि 12 महीनों के नाम हिंदी में, हिंदू पंचांग के अनुसार 12 महीने हिंदी के नामों, या अंग्रेजी के हिंदी कैलेंडर को आप मैच करना चाहें आदि खोज रहे हैं, तो आपको भारतीय पंचांग के महीनों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो महीने के लिए मास शब्द का उपयोग होता है। अन्य कैलेंडरों की भांति ही हिंदू कैलेंडर या भारतीय कैलेंडर में भी 12 महीने 12 मास होते हैं। प्रत्येक मास को 2 पक्षों में बांटा जाता है, शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष। प्रत्येक पक्ष 12 महीने का होता है। हमारे तमाम धार्मिक अनुष्ठान एवं कार्य विशुद्ध रूप से पूर्णतः हिंदू पंचांग पर आधारित होते हैं। कैलेंडर शब्द के लिए हिंदी में पंचांग शब्द का इस्तेमाल होता है। पंचांग शब्द संस्कृत के पंचागम, पंच प्लस अंगम से लिया गया है, जो पंचांग के 5 अंगों जैसे कि चंद्रदिन, चंद्रमास, अर्धदिन, सूर्य और चंद्रमा के कोण और सौर दिन का प्रतीक है। कैलेंडर शब्द के लिए हिंदी में, जैसा कि हमने बताया, पंचांग है। हिंदू कैलेंडर अथवा हिंदी पंचांग से यहाँ हमारा तात्पर्य भारत में प्रयुक्त होने वाले उन सभी प्रकार के पंचांगों से है जो सांस्कृतिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों तथा कालगणना के लिए प्राचीन समय से ही प्रयोग में आते रहे हैं। इन पंचांगों में समय की गणना यानी कालगणना के लिए चंद्रमा एवं सूर्य दोनों की गतियों को आधार माना जाता है। सभी हिंदू पंचांग कालगणना की समान संकल्पनाओं और विधियों पर आधारित होते हैं, परंतु ये पंचांग मासों के नाम, वर्ष का आरंभ, वर्ष प्रतिपदा आदि की दृष्टि से अलग होते हैं। हिंदू पंचांग के 12 महीने हिंदी के 12 महीने के नाम, जिसमें हर मास का नाम महीने के पर्यायवाची शब्द के रूप में यहाँ पर विवरण है। जैसे कि चैत्र मास, वैशाख मास, उसे वैशाख भी बोलते हैं, वैशाख भी बोलते हैं। हिंदी महीनों के नाम चैत्र मास, वैशाख मास, वैशाख भी बोलते हैं इसे, ज्येष्ठ मास, जेठ भी बोलते हैं इसे, आषाढ़ मास, साढ़ भी बोलते हैं, श्रावण मास, इसे सावन भी बोलते हैं, भाद्रपद, इसे भादो बोलते हैं, आश्विन मास, इसे अश्विन भी बोलते हैं, कार्तिक, इसे कार्तक भी बोलते हैं, मार्गशीर्ष, अघन भी बोलते हैं, महा भी बोलते हैं, पौष मास, इसे पूष भी बोलते हैं, माघ मास, फाल्गुन मास। ये 12 महीने हिंदी के होते हैं। हिंदी महीने एवं उनके समकक्ष अंग्रेजी महीने कब कब आते हैं? हिंदी महीने, हिंदी मास और ग्रेगोरियन यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के महीने एक साथ नहीं चलते। सामान्यतः एक हिंदी महीना अंग्रेजी के 2 क्रमिक महीनों में किसी एक से ज़्यादा और किसी एक से कम में बटे होते हैं, जिसका
विवरण इस प्रकार है। चैत्र मास मार्च और अप्रैल यानी कि लगभग आधा मार्च और आधा अप्रैल इसमें सम्मिलित होता है। ऐसे ही वैशाख मास अप्रैल मई में आता है, ज्येष्ठ मास मई जून में, आषाढ़ मास जून जुलाई में, श्रावण मास जुलाई अगस्त में, भाद्रपद मास अगस्त सितंबर में, आश्विन मास सितंबर अक्टूबर में, कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर में, मार्गशीर्ष मास नवंबर दिसंबर में, पौष मास दिसंबर जनवरी में, माघ मास जनवरी फरवरी में और फाल्गुन मास फरवरी मार्च में। सामान्य कैलेंडर में जिसे हम अपने सामान्य क्रियाकलापों में उपयोग करते हैं उसके अनुसार महीनों के नाम आप जानते हैं, फिर भी हम एक बार बता रहे हैं। क्रमवाइज जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं और हमने पूर्व में आपको हिंदी कैलेंडर के नाम बता दिए। ऋतुओं के नाम हिंदू पंचांग समय गणना के आधार पर वर्ष में 6 ऋतुएँ होती हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु एवं शिशिर ऋतु। शक संवत भारत का आधिकारिक संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है जबकि तमाम धार्मिक कार्यों का निष्पादन विक्रम संवत से प्रारंभ होता है। विक्रम संवत यह संवत 57 ईस्वी पूर्व आरंभ होता है। दोनों में अंतर है, देखिए शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ होता है और विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व से आरंभ होता है। इन्हीं के आधार पर ये सारी परिकल्पनाएं चलती हैं और ये भारत का प्राचीनतम संवत है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो, हिंदी या भारतीय कैलेंडर या फिर हिंदू पंचांग के आधार पर तिथियां, महीनों के नाम और इससे जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी हमने देने की कोशिश की। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए, साझा कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में समाधान करने की कोशिश करेंगे। और हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो आई मिस ना कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।